डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। EE 201 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिट 10 में काउंटर डिजाइनिंग को आजकल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने 3-बिट ट्रिपल अप काउंटर और डिकेड काउंटर डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम अप डाउन काउंटर डिस्कस करेंगे, एक ऐसा काउंटर विच कैन ईदर वर्क एज ए अप और डाउन काउंटर। इसके लिए हम एक मोड कंट्रोल इनपुट काम में लेंगे। आइए देखेंगे कि उसको कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अप डाउन काउंटर कैसे बनाएं। एक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड 3-बिट काउंटर को डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप के दो आउटपुट होते हैं, एक अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट क्यू बार। यदि असिंक्रोनस काउंटर में नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के रूप में काम में लें तो वो अप काउंटिंग का काम करेगा, जबकि यदि उसके कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q0 बार को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक के रूप में काम में लें तो वो डाउन काउंटर के रूप में काम करेगा, जैसा कि यह चीज़ को इस डाइग्राम में हमने शो कर रखा है। यह एक 3-बिट काउंटर है जिसमें सिस्टम क्लॉक को LSB फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट किया गया है और आगे की क्लॉक फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से ही डिराइव होती है। यदि हम अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट Q0 बार को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक के रूप में कनेक्ट करें तो वो अप काउंटिंग का काम करेगा, जबकि यदि उसके कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट को यदि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में कनेक्ट करें तो वह डाउन काउंटर के रूप में काम करेगा। मींस यदि इस सर्किट को यदि अप डाउन काउंटर बनाना है तो इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के बीच में हमें एक ऐसा सर्किट बनाना पड़ेगा जो उसको कंट्रोल करे, किसी मोड को सेलेक्ट करे, अप काउंटर के लिए एक मोड को सेलेक्ट करें और डाउन काउंटर के लिए किसी एक पर्टिकुलर मोड को सेलेक्ट करें। तो एक ऐसा कंट्रोल सर्किट इन दो फ्लिप फ्लॉप के बीच में डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि अप काउंटर के लिए यदि Q0 का चयन करना पड़ेगा तथा डाउन काउंटर के लिए Q0 बार का चयन हो, तो इस हेतु हमें एक एक्सटर्नली मोड कंट्रोल इनपुट को काम में लेना पड़ेगा। अतः इन्हीं तीनों Q0, Q0 बार और M को प्रयोग में लेते हुए एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे जो इन फ्लिप फ्लॉप के बीच में जोड़ा जाएगा। चलिए आइए डिज़ाइन करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। सबसे पहले हमने इनपुट आउटपुट को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारे दो इनपुट रहेंगे Q0 एंड Q0 बार। एक और इनपुट रहेगा जो मोड कंट्रोल सेलेक्ट रहेगा M, और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट हो जाएगा Y जो कि नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक से कनेक्ट होगा। इस डिजाइनिंग में दो कंडीशन काम में लेंगे। जब M = 0 हो तो यह अप डाउन काउंटर डाउन काउंटर के रूप में काम करे, और जब M = 1 हो तो यह अप डाउन काउंटर अप काउंटर के रूप में काम करे। मींस डाउन काउंटर के समय इसका आउटपुट Q0 बार को फॉलो करेगा और अप काउंटर के समय इस कॉम्बिनेशन सर्किट का आउटपुट Q को फॉलो करेगा। हमने ये जो केस लिया है, आप इसका रिवर्ट भी ले सकते हो। M = 1 के लिए ए आप डाउन काउंटर और M = 0 के लिए अप काउंटर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी किया जा सकता है। चलिए इनपुट आउटपुट आइडेंटिफाई करने के बाद में इनकी ट्रुथ टेबल बना के इस कॉम्बिनेशनल सर्किट का लॉजिक इवेल्यूएट करते हैं। तो हमने एक ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट की है। पहला केस लिया है जब M = 0 है, उस केस के लिए ए काउंटर डाउन काउंटर के रूप में काम करेगा और Q0 और Q0 बार के टोटल 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 00, 01, 10 एंड 11। इस समय Y विल फॉलो क्यू बार, तो इस क्यू बार का जो आउटपुट है ये Y में आ जाएगा।
नेक्स्ट सेकंड हाफ में हम देखते हैं इस टेबल के कि जब एम का मान वन हो तब Q0 बार के टोटल चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फिर देखते हैं कि अप काउंटर के लिए ए वाई Q0 अनकॉम्प्लीमेंटेड 8 आउटपुट को फॉलो करेगा तो उसका आउटपुट हो जाएगा 0011। इन सब को ध्यान में रखते हुए आउटपुट वाई का SOP समीकरण लिखने पर हम पाते हैं कि Y=m1367 हमें SOP समीकरण मिलेगा। इस SOP समीकरण को स्टेप 3 में के मैप की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल के मैप एम Q0 बार के लिए 3 वेरिएबल के मैप बना रखा है और इस 1367 की एंट्रीज इस के मैप में कर दी है। इनकी एंट्रीज के मैप में करने के बाद हमारे पास में दो पेयर बन रहे हैं। इन दो पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनटम बनी है उसको हमने यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन में लिख दिया है Y=m Q0 बार प्लस m Q0। बहुत ही आसान है 3 वेरिएबल के मैप को सॉल्व करना, बहुत ही बेसिक सीरीज से के मैप को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। चलिए आइए इस कॉम्बिनेशनल सर्किट को इन दोनों फ्लिप फ्लॉप के बीच में इम्प्लीमेंट करते हैं। यह आउटपुट देखें तो यह है 2-level एंड और इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें लेवल 1 में 2 एंड गेट कनेक्ट किए गए हैं और लेवल 2 में एक और, इन दोनों एंड गेट के आउटपुट को एक और गेट में कनेक्ट किया गया है। तो लेवल 1 में एंड गेट 1 में Q0 और M कनेक्ट हो गया और एंड गेट 2 में Q0 बार और M बार कनेक्ट हो गया और एक्सटर्नली हमने एक मोड कंट्रोल इनपुट M को कनेक्ट कर रखा है। इसमें M और M बार दोनों ही जनरेट किए हैं जिसको हमने इस इम्प्लीमेंटेशन में कनेक्ट कर रखा है। तो फाइनली इन दो फ्लिप फ्लॉप के बीच का ये जो कंट्रोल सर्किट है M की डिफरेंट वैल्यू के लिए ए डिफरेंट काम करेगा। जब m=0 होगा तो यह काउंटर डाउन काउंटर के रूप में काम करेगा और m का मान 1 होगा तो यह एक अप काउंटर के रूप में काम करेगा। हमने ये 3-bit काउंटर बना रखा है, बहुत ही सिंपल है 3-bit काउंटर के। मेरे लास्ट वीडियो में इसकी पूरी वर्किंग बता चुका हूँ। यूँ इसमें JK फ्लिप फ्लॉप टॉगल फ्लिप फ्लॉप के रूप में काम में लेते हैं। जे और के को 1-1 से कनेक्ट कर लेंगे। इसकी जगह आप लोग टी फ्लिप फ्लॉप भी काम में ले सकते हैं। सिस्टम क्लॉक के रूप में हमने नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक पल्स जो काम में ले रखी है, इसको जिस फ्लिप फ्लॉप से कनेक्ट करते हैं उसे LSB फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसलिए इसके आउटपुट क्यू को Q0 से डेजिग्नेट किया गया है और तीनों फ्लिप फ्लॉप का फाइनली डायग्राम बना दिया गया है FF0, FF1 और FF2। अगेन इसी तरीके का एंड और इम्प्लीमेंटेशन FF1 और FF2 के भी बीच में करेंगे, सो दैट FF1 का जो आउटपुट है Q1 और Q1 बार ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में अप और डाउन काउंटिंग के लिए कैसे कनेक्ट होगा वो सेम प्रोसीजर ही यहाँ पर अडॉप्ट होगा। इस सर्किट को 3-bit के बजाय n-bit काउंटर, 4-bit काउंटर, 5-bit काउंटर के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और सभी दो फ्लिप फ्लॉप के बीच में यह कॉम्बिनेशन सर्किट कनेक्ट करके फाइनली अप डाउन काउंटर बनाया जा सकता है। चलिए इसकी थोड़ी और वर्किंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जब m=0 है तो उस समय एंड गेट नंबर 1 डिसेबल हो जाएगा और एंड गेट नंबर 2 में इनपुट रहेगा m बार जो कि 1 है और इनपुट है Q0 बार, तो इसका आउटपुट Q0 बार आ जाएगा और यही Q0 बार नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक का काम करेगा। और हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि LSB फ्लिप फ्लॉप का Q0 बार नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक में काम करे तो वो डाउन काउंटर के रूप में काम करेगा। सिमिलरली जब M का मान 1 होगा तो एंड गेट नंबर 2 डिसेबल हो जाएगा और Q0 विल बी अप्लाइड एज ए क्लॉक फॉर द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप एज इट विल वर्क एज ए अप काउंटर। इसकी जो रेस्ट ऑफ द वर्किंग है, टाइमिंग डायग्राम, ट्रुथ टेबल, टॉगलिंग होना, ये सब चीज़ें 3-bit रिपल काउंटर में ऑलरेडी मैं अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप वहाँ पर
आप इसको देख सकते हैं। जस्ट यहाँ पर हमने अप डाउन काउंटर की डिज़ाइनिंग और फ्लिप फ्लॉप के बीच में कंट्रोल कैसे होगा उसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।